Hello students, welcome back to our channel Radian Physics by AASIF MUSHTAQ. हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉ के जो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चंस की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल में या तो आप रख सकते हैं या फिर जो है डाउनलोड करके आप जो है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और क्वेश्चन साथ साथ आपके चलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन में हमको दिया गया है यहां पर, व्हेन फोर्स एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री आर एक्टिंग ऑन ए मास एम सच दैट एफ टू एंड एफ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यानी एक मास है और इसके ऊपर तीन फोर्स लग रही हैं, एक है एफ टू, एक है एफ थ्री और एक कोई फोर्स लग रही है मान लें एफ वन, जहां पर एफ टू और एफ थ्री जो फोर्सेज हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये फोर्सेस लगने के बाद ये पार्टिकल स्टेशनरी है. इसका मतलब इन सब फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट जो होगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री ये जीरो के बराबर होगा. तो हमसे पूछा गया है इफ द फोर्स एफ वन इज नाउ रिमूव, यानी इस फोर्स को यहां से हटा दिया जाए. तो अगर इस फोर्स को हमने यहां से हटाया देन एफ टू प्लस एफ थ्री का नेट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वन, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ एफ टू प्लस एफ थ्री ये जो फोर्स है इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन. यानी इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो एफ वन के बराबर होगा. तो इसीलिए अब इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास, यानी इन दोनों का नेट रिजल्टेंट एफ वन के बराबर ही है. तो एफ वन और अपॉन में एम, इतने एक्सेलरेशन से ये बॉडी चलेगी एफ वन अपॉन में एम के बराबर. ठीक है, तो किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी है तो उस बॉडी पर से अगर हम कोई भी फोर्स हटाते हैं तो वो बॉडी उतनी ही फोर्स फील करेगी जो फोर्स हमने वहां से एलिमिनेट करी हटाई. जो बची है उनकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो हटाई है उसकी वजह से एक्सेलरेशन इनके अंदर आए. ठीक है, और कर लीजिए आप लोग. उसके बाद हमको दे रखा है तीन आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, तीनों के मास दो दो केजी हैं और इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ, फोर्स एफ विद एन एक्सेलरेशन. थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर ड्रॉन बाय ए फोर्स एफ विद एन एक्सेलरेशन 0.6, यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इनको खींचा जा रहा है. देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी, यानी हमसे ये पूछा गया है इन दोनों रस्सियों के बीच में कितना टेंशन होगा. तो एक्सेलरेशन हमको यहां पर दे रखा है, फोर्स के बारे में हमको यहां पर पता नहीं है कि कितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है. वैसे जनरली इसके अंदर जो भी टेंशन आएगा, ये टेंशन बी और सी है, इस पॉइंट के पीछे जो मास है वो सी है, तो इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो सिर्फ इस मास की वजह से होगा. ठीक है, जिस मास, जो भी मास से इस रस्सी को खींचा जा रहा है. तो अगर हम सी रस्सी में टेंशन निकालना चाहते हैं, यानी सी वाले में, यानी टेंशन जो है वो बी और सी के बीच में निकालना चाहते हैं, तो पीछे वाला मास ले लेंगे एम सी और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्सेलरेशन से. तो इसकी वैल्यू, सी की मास की वैल्यू हमको दे रखी है 2 kg, यहां पर दे रखा है ये 2 kg है और एक्सेलरेशन है 0.6, देन दिस विल बी 1.2 न्यूटन. ये हो जाएगा इसके ऊपर टेंशन, 1.2 न्यूटन का यहां पर टेंशन होगा. ठीक है, नोट कर लें आप. ठीक है, हो गया. चलिए अगला सवाल, इसमें हमको दिया गया है वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप, एक रस्सी है जिसका एक किनारा पासेस ओवर ए पुली, फ्रिक्शनलेस पुली से पास होता है, एक किनारा जमीन पर फिक्स है विद द हेल्प ऑफ ए हुक
मैक्सिमम टेंशन विच द रोप कैन बियर, इस रस्सी के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा टेंशन आ सकता है उसकी वैल्यू है 840 न्यूटन, ये हमको दिया गया है। विद व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन कैन ए मैन ऑफ 16 केजी क्लाइंब ऑन द रोप, यानी एक 60 केजी का इंसान इस रस्सी पे कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ये इंसान ऊपर की तरफ जाएगा तो इस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगा और नीचे की तरफ इसका वेट लगता होगा। तो अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ ये हुआ और ऊपर की तरफ टेंशन हुआ, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू होगी 840 माइनस, इस इंसान का मास दिया है 60 और जी की वैल्यू 10, मास हुआ 60 और इंटू ए, देन एक्सेलरेशन विल बी यहां से बचा 240 और अपॉन में 60, इट मीन्स यहां से हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये इंसान इस रस्सी के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, रिंग आर लीस्ट कॉमन इंक्लाइंड प्लेन सो दैट दे स्लाइड डाउन द प्लेन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज फॉर, रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पूछा गया है, अगर ये थीटा डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है तो हर एक का जो एक्सेलरेशन होगा वो यही होगा जी साइन थीटा, क्योंकि यहां रोलिंग मोशन नहीं है, स्लाइडिंग मोशन है, तो स्लाइडिंग मोशन में सबका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही रहेगा, यानी सेम होगा सब बॉडीज के लिए। ठीक है, सेम फॉर ऑल। अगर ये रोलिंग मोशन होता तो फिर अलग होता, तो फिर सॉलिड स्फीयर जो है उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, एक लिफ्ट है जो नीचे की तरफ आ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ। ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट। अब इस लिफ्ट के अंदर कोई इंसान है, इस इंसान ने एक बॉल इस लिफ्ट के अंदर फेंकी, बॉल फेंकी इसमें नीचे की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाई द मैन इन द लिफ्ट, जो ये लिफ्ट के अंदर है ये, और एक लिफ्ट के बाहर है। ठीक है, लिफ्ट में स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है जो ग्राउंड के ऊपर है, ये दूसरा ऑब्जर्वर है, ये पहला। तो हमसे ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो ये दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके हिसाब से ये फ्रेम हुआ एक्सेलरेटेड और इसके हिसाब से ये फ्रेम हुआ नॉन इनर्शियल, सॉरी इनर्शियल। तो ये तो उतना ही फील करेगा जो ग्रेविटी है, कुछ और तो फीलिंग होगी नहीं, लेकिन ये वो फील करेगा जो ग्रेविटी के अलावा, क्योंकि इस पर एक सूडो फोर्स लगेगी और सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और वो सूडो फोर्स होगी जी ए के बराबर, एम ए के बराबर। तो इस बॉल पे एम जी नीचे लगता होगा और ए ऊपर लगता होगा, तो इसीलिए ऑब्जर्वर नंबर 1 के हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी माइनस ए, ये हो जाएगा, और ऑब्जर्वर नंबर 2 के हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ जी के बराबर, ग्रेविटी के बराबर बस। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन बॉडीज का लिफ्ट के अंदर होता है जी माइनस ई, ऊपर जाती है तो जी प्लस ए और नीचे आती है तो जी माइनस ए। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है दो फोर्सेस हैं जिनका सम है 18 न्यूटन
और इनका रिजल्टेंट है 12 परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये आपके लिए है. ये क्वेश्चन वेक्टर पे बेस्ड है, वेक्टर के रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए. 18 है आंसर, हम बता देते हैं इसका, बी वाला सही होगा. 13 और 5, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, कह रहा है एक रस्सी है जो एक पुली से पास हो रही है और दो मासेज हैं m1 और m2 और एक्सेलरेशन सिस्टम का दिया गया है g/a. तो यहां से हमें मासेज का रेशियो निकालना है. ये भी आप लोगों को खुद से करना है, सिंपल सा सवाल है, एटवुड मशीन पे बेस्ड है. अब एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन क्या है ये हम लोग, हमने भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया, तो उसका इस्तेमाल करिए और मासेस का रेशियो निकाल लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको दिया एक लाइट स्प्रिंग है, स्प्रिंग है बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड ए ब्लॉक ऑफ MKG हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन. यानी एक स्प्रिंग बैलेंस, ये मान लो S1 लटका हुआ है कहीं से, और यहां से एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, और फाइनली यहां पर एक MKG का ब्लॉक है. आप कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट बताइए. तो ये दोनों स्केल से मास M ही लटका है, मास इज इनका स्प्रिंग बैलेंसेस का कुछ होगा नहीं. तो पहले ऑप्शन में हमें दिया बोथ द स्केल्स रीड MKG ईच, एकदम बात सही है. ये स्केल भी MKG ही रीड करेगा और ये वाला स्केल भी MKG ही रीड करेगा, यानी दोनों स्केल की जो रीडिंग होगी वो सेम होगी MKG. ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, दोनों की रीडिंग एकदम सेम रहेगी. ठीक है, अगला सवाल, इसमें दिया गया है ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट. एक लिफ्ट है और इसकी छत से एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है. एंड व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, यानी ये लिफ्ट अभी रेस्ट के ऊपर है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस रीड कर रहा है 49 न्यूटन, यानी ये एक्चुअल वेट हो जाएगा W=mg, जिसकी वैल्यू दी गई है 49 न्यूटन, इतनी रीडिंग आ रही है. अब हमसे बोला गया व्हेन द लिफ्ट, इफ द लिफ्ट मूव्स डाउन, अब ये लिफ्ट नीचे की तरफ चलने लगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s, से नीचे की तरफ जाने लगी. Then reading of the balance will be, अब हमसे पूछा गया है कि यहां पर जो ये स्प्रिंग बैलेंस है, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी. तो इफेक्टिव वेट हमको निकालना है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो उस टाइम पे वेट होगा अपरेंट वेट इज इक्वल टू W1 - A और अपॉन में G, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो यहां पर माइनस की वजह होता है प्लस. तो ये हमको दिया ये 49 न्यूटन 1 - 5 और अपॉन में 10, यानी ये हो जाएगा 49/2. 49/2 का मतलब 24.5 न्यूटन, यानी लगभग 24 न्यूटन. ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो उतना आएगा. ठीक है, 24 न्यूटन. यानी वजन घट जाएगा, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो वजन घट जाएगा, और यही लिफ्ट अगर ऊपर जाती तो ये वजन बढ़ जाता, क्योंकि ऊपर जाने पर सूडो फोर्स नीचे लगेगी, तो ग्रेविटी और सूडो फोर्स दोनों जुड़ के बढ़ाएंगी वेट को, और नीचे आने पर सूडो फोर्स ऊपर लगेगी तो ग्रेविटी को सूडो फोर्स घटाएगी. ठीक है, अगला सवाल नोट कर लो आप लोग आराम से. हो गया अगला, ए रॉकेट विच हैज ए मास ऑफ 3.5 इज
blasted up with an initial acceleration of 10 meter per second square. Then the initial thrust of the blast. हमसे इसका थ्रस्ट पूछा गया है. तो अभी बताया जो रॉकेट को थ्रस्ट देना पड़ता है वो ये एम जी प्लस ए के बराबर. मास हमको दे रखा है इस रॉकेट का 3.5 इंटू 10 की पावर 4. जी की वैल्यू यहां पर 10 ले सकते हैं और एक्सेलरेशन भी 10 है तो ये 20 हो जाएगा. तो 20 इंटू 35 यानी 70 और इंटू 10 की पावर 4 तो फिर टोटल वैल्यू यहां से आ जाएगी 7.0 और इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन. ये हो जाएगी फोर्स. ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आप लोगों को खुद से करना है. ये वेक्टर का क्वेश्चन है. वेक्टर में हम लोग एक बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं तो आप लोगों को इसको खुद से ट्राई करना है. अगला इसका आंसर 11 वाला जो सवाल है इसका आंसर जो है वो डी वाला होगा. क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमको दिया है ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास एम. यानी एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, एक रस्सी है जिसका मास स्मॉल एम है और इसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है. पुल फोर्स जो है वो पी है जिससे इसको खींचा गया है. तो अब हमसे पूछा गया है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक. यानी ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगी. तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास से. नेट फोर्स है पी और नेट मास है एम प्लस एम. ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन एम बराबर एम ए से नेट फोर्स अपॉन नेट मास. अब हमको अगर यहां पर निकालना है कि यहां इस पी पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स है तो फोर्स एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पीछे इसका मास. रस्सियों में जो तनाव आते हैं वो पीछे वाले मासेस की वजह से आते हैं तो पीछे वाला मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रख दी जाएगी तो एम इनटू पी और अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम. ये हो जाएगा इसका फोर्स पी पॉइंट के ऊपर. ठीक है नोट कर लो. हो गया. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी एडवुड मशीन का सवाल है. ये भी आपको खुद से करना है. एडवुड मशीन एक्सेलरेशन पूछा गया है. बहुत ही सिंपल सवाल है तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे. एडवुड मशीन के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट आप लगाएं और इसको सॉल्व करें. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. इसमें हमको दिया गया है एक मशीन गन है जो 40 ग्राम की बुलेट्स 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है छोड़ रही है. एक इंसान इस बुलेट को पकड़े एक इंसान इस गन को पकड़े हुए है, गन को चला रहा है, बुलेट निकल रही है यहां से. तो ये इंसान ज्यादा से ज्यादा 144 न्यूटन की फोर्स बियर कर सकता है. तो एक सेकंड में इसको कितनी बुलेट चलाना चाहिए ताकि ये रुका रहे, गिरे ना. तो इसके लिए मान लीजिए एक बुलेट जब यहां से निकलेगी तो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा. जितना मोमेंटम ये लेकर के जाएगी उतना ही दे करके जाएगी, मोमेंटम कंजर्व होगा. तो एफ इज इक्वल टू एन, मान लो नंबर ऑफ बुलेट्स एन चलाई और एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम मान ले एम भी आया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी जब बैरल के अंदर बुलेट रही होगी तो जीरो रही होगी तो इसीलिए एम वी और अपॉन में टी. हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी चलाना चाहिए तो ये हो जाएगा एफ
और अपॉन में m इंटू वी। फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 144 न्यूटन और हर बुलेट का मास हमको दे रखा है इसमें, हर बुलेट का मास है 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम। तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और जिस वेलोसिटी से ये बुलेट चलाई जा रही है वो दे रखी है 1200, तो ये हो गया 1200। तो ये तीन जीरो और ये तीन कैंसिल हो जाएगा, 12 चार 48 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड इज इक्वल टू 144 और अपॉन में 48। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 हासिल 2 12 और 2 14 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 बुलेट पर सेकंड अगर ये इंसान चलाएगा तो फिर ये बंदूक बरकरार रहेगी, रुकी रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। एक आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें हमको दे रखा है ए ब्लॉक इज कैप्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दिया गया है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ये ब्लॉक है और बोला गया इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए। इस इंक्लाइंड प्लेन को इस साइड में एक एक्सेलरेशन दिया गया ताकि ये ब्लॉक ना चल पाए, तो हमसे इस ए की वैल्यू पूछी गई है कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसके ऊपर जो रखी गई बॉडी है ये एक सूडो फोर्स फील करेगी और इसके ऊपर सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, यानी अगर इसका मास m है तो इस पर सूडो फोर्स आएगी m a। तो अब इस हिसाब से इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दो कंपोनेंट होंगे और बाकी नीचे की तरफ इस पर लगता होगा इसका खुद का वेट यानी m g और इस साइड में इसका आएगा एक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा यानी ये भी अल्फा होगा। तो इस हिसाब से इधर की तरफ होगा एम जी साइन अल्फा, ये जानते हैं आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और यहां से एक फोर्स इधर आएगी जो होगा एम ए और कॉस अल्फा। तो यहां से एम जी साइन अल्फा ये वैल्यू है जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी एम ए और कॉस अल्फा, मास से मास यहां पर हम कैंसिल कर देंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी और इंटू साइन अल्फा और अपॉन में कॉस अल्फा। तो एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर होगा वो होगा जी और टेन अल्फा। इतने एक्सेलरेशन से अगर हम इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करें तो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये स्टेशनरी रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, बस हमको सिर्फ इस एम ए के कंपोनेंट करना है। दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाएगा नीचे की तरफ वाला और ये कंपोनेंट अगर देखा जाए तो ये होगा एम ए और ये हो जाएगा साइन अल्फा और बाकी ऊपर वाला कंपोनेंट एम ए कॉस अल्फा है जो एम जी साइन अल्फा को बैलेंस करेगा। और जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगी तो उसकी वजह से ये ब्लॉक जहां पर रखा है वहीं पर रखा रहेगा, ना ही नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन की कंडीशन पूछी जाती है, बस ए इज इक्वल टू जी टेन अल्फा, ठीक है नोट कर लीजिए आप लोग। अब इस केस में कभी कभी अगर हमसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछी जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन भी हम निकाल सकते हैं, ये ऊपर की तरफ इसके द्वारा लगाई गई नॉर्मल रिएक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन दो फोर्सेस के सम के बराबर होगी, एक फोर्स जो इसके ऊपर ये लग रही है एम ए साइन अल्फा और एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ इसके वेट का एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस
अल्फा एक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमको दिया गया है एक प्लेयर है जो एक क्रिकेट बॉल को कैच कर रहा है, 150 ग्राम की बॉल है और जो बॉल है उसकी स्पीड हमको दे रखी है कि ये बॉल हवा में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और हमको इस गेंद का मास दे रखा है 150 ग्राम, 150 ग्राम की क्रिकेट बॉल है ये। अगर वो जो क्रिकेटर है वो इस बॉल को 0.1 सेकंड में अगर कैच कर लेता है, यानी 0.1 सेकंड का इसने समय लिया इस गेंद को कैच करने में, और फोर्स ऑफ ब्लो एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू, यानी जब ये गेंद इस प्लेयर के हाथों पर आकर के टकराएगी तो कितनी उसको चोट लगेगी, कितने फोर्स की, ये पूछा गया। तो इसके लिए हम वही न्यूटन का दूसरा रूल F इज इक्वल टू डेल्टा P और अपॉन में T। डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू चेंज इन मोमेंट वेलोसिटी, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल और अपॉन में टाइम। बस यहां से चेक कर लिया जाएगा फाइनल वेलोसिटी, इसके जो भी बॉडी आ रही है ये 20 मीटर पर सेकंड से, और फाइनल आकर के ये रुक जाएगी, तो इन दोनों में से एक वेलोसिटी इधर जीरो रहेगी। तो मास की वैल्यू 150 ग्राम है, इसका मतलब 150 और इंटू 10 की पावर -3, ये ग्राम को हमने केजी में बदल दिया, और इंटू स्पीड हमको दे रखी है 20 और जो टाइम लगा है यहाँ पर वो दे रखा है 0.1 सेकंड। तो ये हटाएंगे हम, इधर एक जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 2 जा 30, यानी 30 न्यूटन की फोर्स इस प्लेयर के हाथों के ऊपर लगेगी। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, ये इंपल्स का सवाल है। इंपल्स, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, बहुत कम टाइम के लिए अगर लगती है, तो उस फोर्स की और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही चेंज इन मोमेंटम जो है इंपल्स कहलाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो फोर्सेज होती हैं वो इंपल्स क्रिएट करती हैं। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, दोनों की यूनिट्स और डायमेंशन एकदम सेम होती है। ठीक है, अगर नोट करने में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमको दे रखा है एक बॉल है 0.2 केजी जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है बाय अप्लाइंग ए फोर्स बाय हैंड, यानी हाथों के सहारे से एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया हवा में। ठीक है, यहां से फोर्स लगाई गई, इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया और बॉल का मास दिया गया। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर, तो इस बॉल को फेंकने के लिए पहले हाथ के अंदर ये बॉल 0.2 मीटर तक रही, इतनी दूरी तक ये बॉल रही, फिर उसके बाद इस बॉल को छोड़ दिया गया, बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट फर्दर, यानी छोड़ने के बाद ये बॉल फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हुई और जाते जाते ये 2 मीटर दूरी इसने और तय करी। बस अब हमसे ये पूछा गया है, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कितना फोर्स इन हाथों के द्वारा इस बॉल के ऊपर लगाया गया होगा ताकि ये बॉल इतनी हाइट तक पहुंची। तो इस बॉल के ऊपर इस इंसान ने, जिस इंसान ने भी इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला है, तो एक वर्क किया होगा, एक काम किया गया होगा और वो वर्क यहां पर एनर्जी बढ़ाएगा और जो एनर्जी इसकी बढ़ेगी वो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर जाकर के वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई है तो नेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। तो यहां से वर्क डन will be equal to increase in potential energy, हमें energy conservation लगा सकते हैं यहाँ पर, work done या होगा force into displacement, जितना force लगा और जितना हाथ ऊपर की तरफ move किया होगा वो, बराबर increase in potential energy means mgh, मान लो ये है, या total height h, ये है,
तो एफ हमसे पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट हाथ का हुआ है 0.2 और इस बॉल का मास दे रखा है हमको, बॉल का मास दिया हुआ है, बॉल का मास दे रखा है 0.2 केजी, जी की वैल्यू होगी 10 और जो टोटल हाइट ये बॉल मूव करी है वो है 2.2। ठीक है, इस तरीके से बॉल को उछाला गया है। तो हाथ का मूवमेंट यहां से यहां तक हुआ है, ये दूरी 0.2 है और बॉल जितनी ऊपर गई है ये टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो फोर्स लगाई गई होगी वो होगी 22 न्यूटन। 22 न्यूटन की फोर्स लगा करके इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमको ये भी क्वेश्चन जो है अभी हम कर चुके हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अभी एक हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर था ये 12, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दो इसमें दिया गया है, एक स्प्रिंग है, इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल ए एंड एल बी, यानी एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूरे स्प्रिंग का के है, दो टुकड़े जो किए गए एल ए एक टुकड़ा और एल बी दूसरा टुकड़ा, ये दो टुकड़े इसके किए गए हैं और इनका रेशियो हमको दिया है एल ए अपॉन एल बी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2:3। अब हमसे पूछा गया देन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ए, यानी ए वाले स्प्रिंग का हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया है कि के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम पूरे स्प्रिंग की लेंथ के रिस्पेक्ट में ए की हम लेंथ निकाल लेंगे, तो ए की जो लेंथ होगी ये हो जाएगी, इसका हिस्सा है 2, सम ऑफ रेशियो 2+3 हो जाएगा 5 और टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी एल। बस उसके बाद हम यहां पर के ए और एल ए इज इक्वल टू के और इंटू एल ये लगा देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये लेंथ की वैल्यू कितनी है, ए जो के की वैल्यू है वो कितनी है ए वाले के लिए। तो के ए और एल ए, एल ए की वैल्यू हो जाएगी 2/5 टाइम्स ऑफ एल इज इक्वल टू के और इनटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए का के हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ के, बस ये ए वाले का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमको दिया है एक पार्टिकल है एम मास का, इज एट रेस्ट एट ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल की स्पीड 0 है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई और ये फोर्स x एक्सिस के ऊपर लगाई गई है, तो हमसे ये पूछा गया है कि इसकी स्पीड के का ग्राफ
टाइम के हिसाब से हमको बताना है। और फोर्स की वैल्यू दे रखी है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस बी और इंटू टी, ये फोर्स है। तो फोर्स टाइम डिपेंडेंट है यहां पर, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो हम इसको लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, ए का मतलब डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट और ई की पावर माइनस का बी टी, यानी ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम और इंटू एफ नॉट अपॉन एम ई की पावर माइनस का बी और इंटू टी और इंटू डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा डी टी को हम इधर की तरफ ले आए और ये है हमारे पास इधर डी वी, वेलोसिटी ही हमको निकालना है। बस ये हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है और जब टाइम टी है तो हमको इसकी वेलोसिटी पता करना है। तो ये डी वी जीरो से लेकर के बी तक इसकी लिमिट है और जीरो से लेकर के टी तक लिमिट है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा वी और लिमिट हो जाएगी जीरो से लेकर के वी इज इक्वल टू एफ नॉट और अपॉन में एम, ये हो गया। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x है तो e की पावर माइनस का b इंटू टी और अपॉन में माइनस का b आ जाएगा यहां पर डिवाइड में और जीरो से लेकर के t तक लग जाएगी यहां पर लिमिट, ठीक है। तो अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस जीरो, v माइनस जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का f नॉट और अपॉन में m इंटू डी, ये हो जाएगा। और लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी e की पावर माइनस का b इंटू टी और माइनस, जब ये जीरो रखा जाएगा तो ये e की पावर जीरो हो जाएगी और e की पावर जीरो का मतलब होता है वन। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू एफ नॉट और अपॉन में m इंटू बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन माइनस e की पावर माइनस अंदर ले आया हूं तो वन माइनस e की पावर माइनस का b और इंटू टी, ठीक है, ये हो गया। तो जैसा कि यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हमने टाइम की वैल्यू जीरो रख दी तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी बॉडी की जीरो हो जाएगी। तो ग्राफ इनिशियल जीरो से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे ये टाइम की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, अगर हमने इनफाइनाइट टाइम ले लिया तो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो एफ नॉट अपॉन एम बी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पार्टिकल का ग्राफ ये आएगा, जहां पर ये जीरो वेलोसिटी है और इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है एफ नॉट अपॉन में एम बी के बराबर, ये वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है। नोट कर लें आप लोग इसे, बस ये वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ हो गया। डी वाला जो इसका जो है ऑप्शन है वो मैच कर रहा है तो डी वाले के हिसाब से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमको दिया गया है दो ब्लॉक है, एक M1 है और एक M2 है। वन ब्लॉक इज M1 एंड अनदर ब्लॉक इज M2। M1 ब्लॉक इज ऑफ 20 kg एंड M2 इज ऑफ 12 kg, 12 kg का है, कनेक्टेड बाय ए मेटल रॉड। इन दोनों को एक मेटल की जो है रॉड है सरिया टाइप की, उससे इसको जोड़ा गया है एंड मास ऑफ दिस मेटल रॉड इज 8 kg, ठीक है, 8 kg का ये रॉड है। द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप बाय अप्लाइंग ए फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई जा रही है एंड दैट फोर्स इज 480 N इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। देन द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, देन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड, यानी हमसे इस रस्सी की ये जो सरिया है इस सरिया के बीच में कितना तनाव आएगा ये हमसे पूछा गया है।
then first of all we will find the acceleration of this whole system, and acceleration of this system will be equal to net force upon net mass. Net force upar ki taraf lag rahi hai sirf F, aur niche ki taraf gravitational forces lagti hongi jisme total minus m1 plus small m plus m2 or into g or divided by total mass. और टोटल मास इस पूरे सिस्टम का जो है वो है m1 plus m2 और plus small m. ठीक है, तो यहां से फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 480 माइनस टोटल मास हो जाएगा ये आप दे रखा है 20 और 12 और 8 20 यानी 20 और 20 40 40 और into 10 means 400 और डिवाइडेड बाय 40. ठीक है, तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल करके 40 480 माइनस 400 मींस 80, तो 80 और अपॉन में 40 मींस द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा. अब हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंशन निकालना है तो हमको ये देखना होगा कि इसके नीचे कितना मास लटका हुआ है. तो इसके नीचे टोटल दो मासेस हैं, एक ये मास है और एक ये आधी सरिया का मास है. तो कुल मिलाकर के आधी सरिया का मास 4 केजी हो जाएगा. तो अगर हम इसका टोटल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक m2 12 है प्लस आधी सरिया का मास 4 केजी होगा. और टेंशन हमको निकालना, तो ऊपर की तरफ टेंशन हो गया 12 और 4 16 जी नीचे की तरफ हो गया और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब यहां से हमें टेंशन अगर निकालना है देन टेंशन विल बी टेंशन माइनस 16 मींस 160 इज इक्वल टू 12 4 16 और इनटू 2 मींस टेंशन विल बी इक्वल टू 160 प्लस 32, तो यहां से हो जाएगा 192 मीटर पर सेकंड, सॉरी न्यूटन. ठीक है, 192 न्यूटन नोट कर लें. हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और अगला सवाल है सवाल नंबर 22, जिसमें हमको दिया है ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W एंड रेडियस 5 इज हेल्ड by a string, the tension in the string, यानी एक इस रस्सी के सहारे से यहां पर एक जो है स्फीयर लटका हुआ है जिसमें ये वैल्यू हमको 8 दे रखी है और इसकी रेडियस 5 है, तो इसका मतलब यहां तक के जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर और इसमें जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगी. और ये वाली जो साइड है ये रेडियस है, ये बिल्कुल जो स्फीयर है ये इधर चिपका हुआ है इस तरीके से है ये, तो इसके सेंटर की जो दूरी है इसमें 5 और ऐड होगा क्योंकि ये रेडियस है और इधर भी ये 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 13 है ये 5 है तो ये होना चाहिए 12 सेंटीमीटर. नीचे की तरफ इसका लगता होगा वेट मींस डब्ल्यू. और अगर किसी भी इंस्टेंट पर ये रस्सी ने इधर से थीटा एंगल बनाया हुआ है, मान लो ये दीवार से थीटा एंगल अगर इसने बनाया है, तो यहां से W ये हुआ
और इस रस्सी के अंदर एक टेंशन आता होगा टी और एक दीवार से इसको इधर की तरफ मिलती होगी नॉर्मल रिएक्शन, इतनी फोर्सेस इसके ऊपर लगती होंगी, ठीक है। और इन सब फोर्सेस लगने के बाद ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अब हमसे पूछा गया है इस रस्सी में तनाव कितना होगा, टेंशन। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस वेट को बैलेंस करेगा और ये कंपोनेंट होगा ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। अब हम कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 13 इज इक्वल टू डब्ल्यू। Then tension will be 13 by 12 times of W, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमको दिया ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स लग रही है जिसका एफ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स आई प्लस वाई कंपोनेंट एफ वाई जे और इसकी वेलोसिटी टी बराबर 0 यानी इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 6i माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। जब 10 सेकेंड होता है तो इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है जो कि सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है यानी 6j। देन द वैल्यू ऑफ f हमसे यहां पर पूछा गया है कि ये फोर्स जो बॉडी पर लग रही है ये कितनी है। तो हम यहां से जो है चेंज इन मोमेंटम का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू बॉल दे रखी है हमको और इस बॉल का मास दिया गया है 5 ये और फाइनल वेलोसिटी है इस बॉल की 6j, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं हम इसकी ये 6j और माइनस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की दे रखी है ये यानी 6i और माइनस हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे और डिवाइडेड बाई टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ऐसा हुआ। अब यहां से हम इसकी वेलोसिटी की अगर वेक्टर फॉर्म चेक करें तो ये हो जाएगी f वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि ये डिवाइड कर दिया हमने 6j और प्लस 2j यानी 8j हो जाएगा और माइनस का 6i प्लस का 8j, ठीक है, प्लस का 8j। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसे चेक करें तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म आएगा 2-3j यानी माइनस का 3i कैप और प्लस का 4j कैप, दिस विल बी फोर्स, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक हैवी बॉक्स है इज ड्रैग्ड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, टू डू सो ए पर्सन ए पुशेस इट एट एंगल ऑफ 30 degrees फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल And requires a minimum force F A। यानी एक बॉक्स है A, एक इंसान इसको पुश करता है, पुश का मतलब इसको ढकेलता है और हॉरिजॉन्टल से 30 degrees के ऊपर ये इसको ढकेलता है, ठीक है। While the person B
pulls the box और जो दूसरा इंसान है वो इसको pull करता है, ठीक है, push किया इसने और ये इसको pull करेगा, इसने pull किया 60 degree from the horizontal और ये 60 degree horizontal से pull करता है. And needs minimum force FB, कम से कम force FB और इसको कम से कम force FA की requirement है. The coefficient of friction between the box and the floor is root 3 by 5. अब हमसे पूछा गया है इन दोनों forces का ratio. तो इसके लिए ये friction का concept हमको यहाँ लगाना पड़ेगा. Minimum force जो required है इसके लिए, इस force का एक component इधर की तरफ आएगा, जिसकी value हो जाएगी FA cos 30. और एक component नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी value हो जाएगी FA sin, ठीक है, ये हो जाएगा. और बाकी नीचे की तरफ इस बॉडी का वेट लगता होगा और ऊपर की तरफ इस बॉडी का आती होगी नॉर्मल रिएक्शन. ऐसे यहां पर इस फोर्स का कंपोनेंट एफ बी और इधर की तरफ होगा cos 60 और ऊपर की तरफ एक होगा एफ बी sin 60. ये ऊपर की तरफ इस बॉडी की लगती होगी नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश मान सकते हैं, और नीचे की तरफ इस बॉडी का लगता होगा वेट, और पीछे की तरफ इस बॉडी पर लगती होगी फ्रिक्शन यानी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ऐसे यहां पर भी इस बॉडी पे पीछे की तरफ लगती होगी फ्रिक्शन यानी म्यू इनटू एन, ठीक है, ये हो जाएगी इसमें फ्रिक्शन. तो अब यहां पर अगर नॉर्मल रिएक्शन हम चेक करें तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू इस बॉडी का मास यानी एम जी और ये दोनों मिलकर के एफ ए साइन 30. FA sin 30 का मतलब FA by 2 क्योंकि sin 30 की वैल्यू हाफ होगी और प्लस mg ये हो जाए. अब इस बॉडी को अगर आगे चलाना है तो ये फोर्स है FA और cos 30 का मतलब root 3 by 2. ये कम से कम बराबर होना चाहिए पीछे लगने वाली फ्रिक्शन के यानी mu और into ये इसके FA by 2 प्लस mg के, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए. हमको FA का रेशियो निकालना है तो ये mg यहां से अगर हम जो है अलग कर दें तो म्यू mg हो जाएगा और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा FA रूट 3 बाई 2 माइनस म्यू FA और बाई 2 इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते या ऐसे ही रखें, पहली इक्वेशन हमारी ये होगी. इधर अगर देखा जाए तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो n डैश ऊपर की तरफ ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो n डैश की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस fb और रूट 3 बाई 2 ये नीचे की तरफ फोर्स होगी, ठीक है, ये दोनों जोड़ करके इसको बैलेंस करेंगे. अब इस बॉडी को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एफ बी बाई 2 की वैल्यू बराबर कम से कम होना चाहिए म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के यानी एम जी और माइनस एफ बी और इनटू रूट 3 बाई 2 के. तो यहां से एफ बी अपॉन 2 और प्लस ये इधर आकर के हो जाएगा एफ बी और इनटू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू म्यू भी आएगा इसके साथ साथ यहां पर म्यू इज इक्वल टू म्यू एम और इनटू जी, ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन. तो इन दोनों इक्वेशंस में म्यू एम जी और म्यू एम बी सेम है, इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर कर देते हैं. यहां से एफ ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा हमारे पास रूट 3 बाई 2 माइनस म्यू और म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है सवाल के अंदर म्यू दे रखा है रूट 3 बाई 5 तो इसकी जगह हम रख देंगे रूट 3 बाई 5 यहां रूट 3 बाई 5 और इन टू 2 रखा हुआ है ये, ठीक है, और ऐसे ही इसको बराबर कर दे रहे हैं इसके. यहां पर भी हम एफ बी कॉमन ले लेंगे अंदर बच जाएगा 1 बाई 2 प्लस यहां पर रूट 3 बाई 2 पहले से है और इन टू म्यू और म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है रूट 3 बाई 5 ये हमको दे रखा है रूट 3 बाई 5. बस अब यहां से हमको एफ ए और एफ बी का रेशियो निकालना है, ठीक है.
तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू, ये 1/2 है और ये 3 हो जाएगा, तो 3/10, यहां से हम चाहें अगर तो 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहां पर 1 बचा प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो 3/5, ठीक है ये बच गया। और यहां पर भी अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहां पर √3 और माइनस 1/2 कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास √3 और अपॉन में 5, ठीक है 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हम जो है अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8/5 और ये हो जाएगा 5√3 - √3 या √3 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5√3 - √3 वैसे भी 4√3 बच जाएगा तो 4√3/5, ठीक है 5 से 5 ये कैंसिल हो गया और 4 × 8 चला गया तो फाइनल आंसर आया ये 2/√3, ये रेशियो हो जाएगा इन दोनों फोर्सेस का, ठीक है नोट कर लिया आप लोग। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगाए हैं, ये पहली वाली कंडीशन हमने पुश की लगाई है और दूसरी वाली कंडीशन हमने पुल की लगाई है। जब भी किसी बॉडी को पुश करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ज्यादा होती है और पुल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कम होती है, इसीलिए बॉडीज को पुश करना कठिन है पुल करना आसान है, खींचना आसान है ढकेलना मुश्किल है, क्योंकि ढकेलते टाइम पर हम जो फोर्स उस बॉडी पे लगाते हैं तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देता है, बस इसी वजह से पुश कठिन है पुल लेकिन आसान होता है क्योंकि पुल में नॉर्मल रिएक्शन और घट जाती है, ठीक है नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक हो गया, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है और इसमें हमको दिया है एक पार्टिकल एम मास का, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टी स्क्वायर और इनटू बी। If this law is to be tested experimentally by observing the motion starting from rest, yani rest se koi body start hui hai, the best way is to plot velocity against t square, log v against t ya log v upon t square, yani velocity ka humko yahan par graph banana hai. To hum isko pehle f ko likh sakte hain m aur into dv over dt और इज इक्वल टू आर और अपॉन में टी स्क्वायर और इनटू वी, तो यहां से ये हो जाएगा डी वी और अपॉन में वी इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ये आर और अपॉन में टी स्क्वायर और इनटू डी टी और अपॉन में एम, ठीक है अब इसको कर दिया जाएगा इंटीग्रेट, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/v यानी इसका हो जाएगा नेचुरल लॉग वी इज इक्वल टू 1/t² का हो जाएगा माइनस का आर अपॉन एम और इनटू टी स्क्वायर, ठीक है ये सॉरी आर अपॉन टी एम टी और ठीक है नेचुरल लॉग भी, तो यहां से माइनस का आर अपॉन एम टी प्लस एक यहां पर हम कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है तो एक इधर कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस हिसाब से आप इसका एक जो है ग्राफ यहां पर जो है बना सकते हैं। अब हमसे log v अगेंस्ट 1/t, तो log v अगेंस्ट 1/t, ठीक है यही ग्राफ इसका बन सकता है नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल में हमको दिया गया है एक रॉकेट है जिसको फायर किया गया है वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2G, यानी एक रॉकेट को ऊपर की तरफ 2G एक्सेलरेशन से फेंका गया ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट। इस रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, एंड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is kept, इसके ऊपर एक स्मॉल m मास की बॉडी रखी गई है, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइंड सरफेस सच दैट द मास डज नॉट मूव, कह रहा कितना होना चाहिए ताकि ये मास चलना नहीं चाहिए, तो इस मास के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन ही इसको रोकेगी, तो फ्रिक्शन होती है म्यू एम जी और कॉस थीटा, इतनी फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगी पीछे की तरफ, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे समझिए पीछे की तरफ इस पे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगती होगी, और अब ये एक तो एम जी होगा, और एक अगर ये 2G से ऊपर जा रहा तो नीचे की तरफ इस पे जी प्लस ए लगता होगा ये, और ए की वैल्यू 2G दी है, इसका मतलब इसके ऊपर कुल मिलाकर के 3G एक्सेलरेशन लगता होगा, तो इधर की तरफ इस पर आएगा 3G और साइन थीटा इधर का एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ होगा 3G और इनटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, और ऊपर की तरफ ये हो जाएगी इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। बस अब इनको हम बैलेंस करेंगे, तो इसको रोकने के लिए ये वाली जो नीचे वाली फोर्स है 3mg साइन थीटा, ये वाली फोर्स कम होना चाहिए, और फ्रिक्शन या तो बराबर हो या ज्यादा हो, फ्रिक्शन हो जाएगी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी 3mg एंड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। बस यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे, और हमसे म्यू पूछा गया है, तो ये 3mg से 3mg तो हो गया कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10 थीटा, देन म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, फ्रिक्शन में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमको दिया है एक 10 केजी का मास है सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए रोप फ्रॉम द रूफ, छत से एक रस्सी के सहारे से मास लटका हुआ, एक पॉइंट पे इस रस्सी के एक फोर्स लगाई गई, सवाल में बोला कह रहा एक फोर्स लगाई गई इस रस्सी पर, और जब ये फोर्स लगाई गई तो ये रस्सी 45 डिग्री डेविएट होगी, इफ द मास सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम, जो मास इससे लटका है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो इस मास का नीचे की तरफ एमजी आता होगा, और ये फोर्स लगाई गई है एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब सवाल में ये बोला है कह रहा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको बताना है, और नीचे की तरफ मास 10 दिया है, तो ये 100 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ इस पर लगती होगी, ठीक है, और ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब इस बॉडी पर ऊपर की तरफ इस टेंशन का जो रस्सी में तनाव आता होगा, क्योंकि ये भी एंगल 45 है, तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा टी कॉस 45, ये तो टी कॉस 45 इस 100 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस 45 का मतलब 1/√2 इज इक्वल टू 100, तो यहां से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 100√2 न्यूटन, ये टेंशन। अब ये टेंशन अगर हमको पता चल गया तो आप दूसरा कंपोनेंट इसका बैलेंस करवा देंगे जो इस फोर्स के बराबर होगा, यानी टी साइन 45 विल बी इक्वल टू फोर्स, तो टी की वैल्यू थी 100√2 और इनटू साइन 45 बाय 1/√2 विल बी इक्वल टू फोर्स, मींस फोर्स विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की फोर्स हमको लगाना पड़ेगी अगर इसको बैलेंस रखना है तो, ठीक है, 100 मीटर।
नोट कर लीजिए। ठीक, और एक आखिरी सवाल और दिया गया है, इसको भी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको दिया गया है एक पार्टिकल है एम मास का विच इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम पी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, फोर्स इसके ऊपर लग रही है एफ इज इक्वल टू के पी इन द डायरेक्शन ऑन मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरवल टी so that its momentum changes from p to 2p where k is constant, then the value of p हमसे पूछा गया है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं f is equal to dt over dt is equal to kt, तो यहां से dt is equal to k into t और into dt, बस यहां से इसको कर दिया जाए integrate, ठीक है, p से लेकर के 3p ये और 0 से लेकर के t तक की लिमिट है यहां, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये p आ जाएगा और लिमिट है p से लेकर के 3p will be equal to k और into t square by 2 और लिमिट है यहां 0 से लेकर के t तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3p minus p will be equal to इधर k by 2 तो कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा t square minus 0 का स्क्वायर, तो ये बचा हमारे पास 2p is equal to k by 2। अच्छा, ये लिमिट जो हमको दे रखी है ये कैपिटल T लिया है, 0 से लेकर के कैपिटल T तक के बोला गया है, तो ये कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0 का स्क्वायर, तो k t स्क्वायर by 2, देन ये t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4p और अपॉन में k, देन t विल बी इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट ऑफ p और ओवर, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरवल, ठीक है, जो 2k अपॉन p अपॉन k के बराबर होगा। बस ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसकी थ्योरी भी हम लोगों ने कवर कर ली और जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया, सब अच्छे लेवल के सवाल थे, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपका न्यूटन्स लॉ, क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन्स लॉ प्लस फ्रिक्शन, अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज हमारी लगातार चल रही है, आप वीडियो देखते रहें और क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नए वीडियोस आए वो आपको मिलते रहें, ठीक है, थैंक यू।